तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं ग्लेंडर ऐप क्या है और इसे यूज कैसे करते हैं, इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड आपको टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसे कि ग्लेंडर ऐप ये एक गे ऐप है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये गे चैटिंग डेटिंग ऐप है आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसका रेटिंग जो है यहाँ पर 3.4 का है और इसे 10 मिलियन प्लस लोगों ने भी डाउनलोड कर लिया है और ये 18+ ऐप है, इसलिए अगर आप लोग बच्चे हो तो इस वीडियो को एस्केप कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दो घंटी दबा के। तो चलो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को सबसे पहले यहाँ से ओपन करना होता है। सबसे पहले आप ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पर बोलेगा साइनअप करने को, तो साइनअप आप मोबाइल नंबर से कर सकते हो, ईमेल से कर सकते हो या फिर फेसबुक गूगल किसी भी चीज़ से कर सकते हो। तो हम यहाँ पर गूगल को सिलेक्ट करेंगे। गूगल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा परमिशन लेगा आपके गूगल से, आपका यहाँ पर टोटल जीमेल आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना जीमेल यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि हमने अपना यहाँ से जीमेल सिलेक्ट किया। जीमेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, आपके जीमेल से ये परमिशन लेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये परमिशन लेगा। उसके बाद यहाँ से आपको इसे अलाउ करना होगा। ऐसे आप लोग फेसबुक से भी बना सकते हो, ईमेल से भी बना सकते हो, किसी भी माध्यम से बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसका कुछ टर्म कंडीशन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस टर्म कंडीशन को आपको यहाँ से एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना होगा। जैसे नेक्स्ट करोगे तो इसका टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करोगे, फिर से इसका पॉलिसी जो भी है इसे एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपका डिस्प्ले नेम पूछ रहा है, तो आप अपना नाम कुछ भी डाल सकते हो, जो नाम से आप चाहते हो यहाँ पर आप रखना तो आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ नाम रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना फोटो भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर फोटो लगाने का ऑप्शन है, हम यहाँ पर फोटो नहीं लगाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका फॉलोअर हो वो आपका एज देखे या फिर ना देखे, तो आप यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर आप अपना डाल सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रन मैन, कैश मैन, उसके बाद मैन, आप जो भी चाहते हो डाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पर ऐसे ही डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है, तो इसमें काफ़ी आसानी से अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद ये आपके लोकेशन का परमिशन मांगेगा, तो आप लोग लोकेशन का परमिशन देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो, तो यहाँ से जैसे लोकेशन का परमिशन दे दोगे उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारा प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारा इसमें प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। आप इसमें से किसी से चैटिंग कर सकते हो, दोस्तिंग कर सकते हो और यहाँ से बात भी कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जितना ग्रीन दिखा रहा है ये सब लोग ऑनलाइन है, जितना ग्रीन नहीं दिखा रहा है ये ऑफलाइन है। तो जैसे कि यहाँ पर ग्रीन ऑनलाइन नाउ शो हो रहा है, उसके बाद आप यहाँ पर इसके पास मैसेज कर सकते हो, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हो आप यहाँ से मैसेज लिख के कुछ इस तरह से भेज सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे से बंदा 7 किलोमीटर दूरी पे है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर हाय हेलो कुछ भी भेज सकते हो काफ़ी आसानी से। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग चाहते हो वो भी भेज सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट वीडियो चैट भी कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर भी है, और यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो, फोटो भेज सकते हो, इमोजी भी भेज सकते हो। तो इसमें से जो चाहो वो भेज सकते हो काफ़ी आसानी से, और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। आप इसे यूज करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे कि देख सकते हो ये कितना आसान है चलाना। उसके बाद आप अगर चाहते हो अपने प्रोफाइल में कुछ एडिट करना, तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ से कुछ आके अपना यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हो, जैसे कि कितने से कितने एज का आप चाहते हो, और जो ऑनलाइन है उसी को आप यहाँ से चाहते हो, और जिसका हाइट क्या है वो भी आप, मतलब इसमें पूरा फिल्टर दिया गया है। आप इधर वाले सेटिंग से फिल्टर लगा सकते हो। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर सेटिंग दिखा रहा है, यहाँ पर अपना जो भी अपना नाम आईडी जो भी एडिट प्रोफाइल करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपना ये भी कर सकते हो। तो दोस्तों अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आना होगा, जैसे कि ऊपर वाले आपके लोगो आइकन पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सपोर्ट या फिर लॉग आउट जो चाहते हो तो सपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट अकाउंट कर सकते हो। हमें अभी इस अकाउंट को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि आप लोग के लिए इसमें और भी नई नई इन्फॉर्मेशन खोजनी है, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो, ताकि हम ऐसा वीडियो लाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।